तो अभी हम सब लोग सबसे पहले तो नेचर्स कॉल पे जा रहे हैं, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है वॉशरूम में। उसके बाद फिर हम लोग खाने वाने बैठेंगे सुकून से। रोटियां मैंने बहुत ज़्यादा कर दी, मैं राइस खा लूँगा। अगर यहाँ पर परांठों का मज़ा है, परांठे हाँ वो है लेकिन जगह नहीं है। खाते खाते राइस तो ज़्यादा पेट में होता है ना, राइस लेकिन पानी होता है ना वो स्टार चीज़। परांठे खाइए थोड़ा। ये कुर्सियाँ ऐसी अब देख रहे हो ना, थोड़ी देसी कुर्सियाँ। ये कुर्सियाँ भी थोड़ी खाट वाट एक्स्ट्रा थी पहले, बाहर वहाँ पे जहाँ पार्किंग है वो पार्किंग और थोड़ी बाहर लगती थी, वहाँ खाट वाट लग जाती थी। बस अब ये पहलवान इज द बिगिनिंग ऑफ मूर्थल। पहलवान है ना ऊजा, ऊजा का टेस्ट से भी अच्छा है। अच्छे ट्वाइस जगह को चार गुना में बांट लिया और ऊजा का सिक्का चल रहा है। देव थोड़ा ओवर हाइप्ड है हाँ, और भी है। मतलब मुझे अगर रॉ जिस चीज़ के लिए यहाँ इतनी दूर आ रहे हैं वो यही मिलती है हाँ। सो बिल्कुल यहाँ पे तबाही मच चुकी है टेबलों पे। जब से उठाए तब खाया था आंटी ने कुछ खिलाया? चाय और ब्रेड हाँ। तभी ये इतने भूखे थे कि इन्होंने इतना दाब लिया। सुमित भाई कैसा लगा? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। अभी एंडिंग इट ऑन अ नोट ऑफ चाय, और यहाँ पे गोल्डी भाई का स्वीट डिश आ गया है। मेरा नहीं सबके लिए भाई हाँ, मतलब गोल्डी भाई ने स्वीट डिश मंगवाया है, सब लोग थोड़ा थोड़ा उसमें चखेंगे। खीर और गुलाब जामुन। नहीं नहीं चाय बर्बाद नहीं होगा, चाय से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता मेरा। यार सुमित भाई आपने पनीर खाई नहीं यार, सब फ्रेश हो गया ना माइंड थोड़ा। ऐसी है हाथ में लेके खा ली। तो सुमित भाई आपको भाव पता है मार्केट में इसका? बस चलता है सोने के उस पर लगा देते हैं, सोने को तोलने के लिए। देख रहे हैं कैमरा देख के पूरा जो है वो भी फील से खाया इन्होंने, वैसे ऐसे डाल ले रहे हैं। अभी हम लोग फिर अब निकल रहे हैं यहाँ से, और अब हम लोग निकलेंगे, घर जाएंगे, सो जाएंगे। कल बहुत सारा काम है। दरअसल व्लॉग आज पूरे दिन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हम लोगों का दिन बहुत लेट शुरुआत हुआ। सुबह 7 बजे तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करता रहा घर पर ही, कुछ गेम्स की वीडियोस वो रिकॉर्ड करता रहा थक के साथ, और फिर जब सोए तो फिर लेट उठे। उसके बाद मैं फिर अपनी दोस्त से मिलने के लिए कनॉट प्लेस गया था, और बस उसके बाद फिर हम लोग यहीं पे आ गए सीधे। तो आज का व्लॉग दिन में नहीं शुरू होकर रात में शुरू हुआ। कल का पूरा दिन वील स्टे टुगेदर इन दिस व्लॉग, एंड कल का पूरा दिन एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने को है। हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, विश यू गुड लक, मिलते हैं। ओके सुमित भाई, चलो बाय। बाय बाय, आप भी। यस यस गाइस, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं और रगा निकले हैं अभी घर से। जस्ट अभी अंकल ने उठाया हमें, और हम लोग अभी यहाँ पर कोविड का टेस्ट कराने आए हैं। इस बिल्डिंग में हमारा कोविड का टेस्ट होगा। तो गाइस होता क्या है, अगर मैं गलती से पॉजिटिव भी हूँ बट मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे सिम्टम्स शो नहीं होंगे, वो अंदर ही फाइट करता रहेगा। लेकिन एक बार मैं ऑन पेपर पॉजिटिव आ गया ना, और मैं फाइट भी कर रहा होगा बट वो अननेसेसरी पैनिक एक हो जाएगा, और बस उसी चीज़ से डर लग रहा है। तो गाइज मैं कैदी नंबर 31 हूँ। तुम क्या नंबर कैदी हो भाई? कैदी नंबर 30 हूँ यार। तुम कैदी नंबर 30 हो, बहुत हार्ड। फंस जाएंगे 14 दिन के लिए और कुछ नहीं। फटी पड़ी। भाई अगर मेरा आया पॉजिटिव मैं बोल रहा हूँ मैं आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेके जाऊंगा यहाँ से 24 घंटे बाद। गंदा लॉस हुआ भाई। गाइस जो हालत खराब हो रही है ना, सच बताओ यार, आखिरी बार मुझे जो इतना डर लगा था शायद मेरा एंट्रेंस एग्जाम के दिन हुआ था कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। गाइस हमारा टेस्ट हो गया। ओ भाई जो गहराइयों में डाला यार उसने नाक में, मेरी आंखों में से जो है, मेरे जीभ में कह रहा पहले जीभ निकालो फिर कह रहा मुंह खोलो, डालने के बाद कह रहा मुंह खोलो, भाई उल्टी आ जाएगा दिखा। तो पहले जब नाक में उसने डाला मुझे लगा यार ये वाला सबसे घटिया है, जब जबान में डाला तब लगा यार नहीं ये वाला घटिया है, जब दोबारा नाक में डाला तब नफरत ही हो गई भाई उस आदमी से हो गई मुझे, टेस्ट से नहीं। अभी चलते बनाना शेक पीना। अरे वो सब तो ठीक है, अभी तक तो एग्जाम देने का डर था, अब रिजल्ट आने का डर है भाई, क्या ही होगा। अब हमने प्लान किया था 11 बजे जाएंगे, 12 बजे होगा, जब 12 बजे गए नहीं 11 बजे गए हैं, 12 बजे हुआ है, 1 बजे तक आएगा, 1 बजे के बाद हम जाएंगे हाँ। किसी के लिए लेकिन वो तभी होगा जब हम लोगों का नेगेटिव आ जाएगा, वरना फिर प्लान
कैंसिल। तूने बताया नहीं तेरे को बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए? बर्थडे पे यार मेरा रूम बनवा दो। क्या पैसा लगेगा? क्या करना पैसा जानते बर्थडे पे पैसा पूछते हैं क्या यार? अच्छा वो आगे वो मत बताओ मुझे, वो मैं समझ जाऊंगा, यूनिट में समझ जाऊंगा आगे का। तू मुझे बस नंबर बताओ 1 2 3 4 5 6 पे ऐसे। इंटेंस कर रहे हो मैं? हाँ बताओ यार। देखो अच्छा सा बनवाओगे पता होता तो अंदाजन कितना यार महंगा ही है, इतने नहीं करवा। कितना वो यार नंबर तो बता। 5-6 तो लग ही जाएगा भाई। इनको इनको भी वो डाल दिए जूसर में, इनको भी इनको जूसर में डाल दिया, केले के साथ इनको भी पहन दिया। हमारा राजू का बनाना शेक। पर दिक्कत ये मेरा नेगेटिव है और मामा का पॉजिटिव है। मामा अभी गया है पीपी किट पहनने, वो पहन के आएगा वहां से। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जस्ट अभी पापा का भाई जाया तो अभी मामा गया है। क्या करना है अब? हाँ माँ कसम, इसमें क्या झूठ, कोई झूठ बोलने वाला बात थोड़ी, टाइम थोड़ी है। बोलो करना क्या है अभी ये बताओ। रिपोर्ट भेजूं? हाँ कर लेना। अब तुम करो कॉल, थोड़ी देर बात करना, अभी पौध रखो, अब तुम करना थोड़ी देर बाद। गाइस हम लोगों का फोन नेगेटिव आया है। हम लोग अभी रेखा के पापा का कॉल आया था और हम लोग यहाँ पे गेम खेल रहे हैं थक के साथ। उसको पता चलेगा ना कि ये टिड्डे ने उसके साथ मजाक छिड़ा है तो इसको फाड़ देगा, इसको फाड़ देगा। मुझे इसमें तरस आ रहा है भाई। देखो हम तो सो रहे हैं ना ना चाचा। टिड्डा फटा ये टिड्डा, मैं बता रहा हूँ ना, टिड्डा बहुत फ्रैंक हो रहा है। इस टिड्डे ने तुम्हारे साथ फ्रैंक खेला है। जान पड़ दिया भाई कसम। नमन को फोन करके बताया अभी, कसम नमन को ही कॉल करके बता दिया। ची भाई पूरा ठीक हो गया है। ठीक है ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना है तो उससे पहले जल्दी से मैं फ्रेश हो जाऊं क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे अभी निकलना है, बहुत सारी चीजें डिसाइड हुई अभी। तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ मामा अर्थ का चारकोल फेस वॉश जो कि मैं पहले भी एक बार यूज कर चुका हूँ रिसेंटली और ये मुझे इतना सही लगा अपने लिए कि आई हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद दिस फॉर सम टाइम। मेरे लिए बहुत ही बेहतर साबित हुआ एक तरीके से क्योंकि इसमें कॉफी एक्सट्रैक्ट है, एक्वा है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। आई बीन यूजिंग दिस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ इसलिए थोड़ा सा एम्प्टी सा भी लग रहा है। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये यूज करो, ये पीटर सर्टिफाइड है, एनिमल क्रूएल्टी फ्री है एक तरीके से। और अगर आप लोगों को ये यूज करना हो तो आप लोग यूज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और mamaearth.in पे भी आप लोग जो है जाके इसको mama2020 कोड यूज करके इसको परचेज कर सकते हो। ऑल्सो अमेजोन फ्लिपकार्ट नाइका हर जगह ये अवेलेबल है, लेकिन अगर 20% कोड का आप लोगों को लाभ उठाना है तो mamba2020 को सिर्फ mamaearth.in पे ही यूज करना। ऑल्सो एक सबसे बड़ी बात ये है कि एक इनिशिएटिव लिया है मामा अर्थ ने, वो ये है कि अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो व्हाट दे विल डू इज दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दे प्लांट और उसका जो भी जियोलॉजिकल लोकेशन होगा, जो भी ट्री का स्पीशी होगा, वो सब आपके ऑर्डर पे जो है वो जो ट्री प्लांट करेंगे उस पर वो सब मेंशन होगा। तो एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है ये। ऑल्सो ये प्लास्टिक पॉजिटिव है विच मीन्स कि जितना प्लास्टिक यूज होता है मामा अर्थ से उससे ज़्यादा वो लोग रिसाइकिल करते हैं विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। तो इतने सारे पॉइंट है जिसकी वजह से आई हैव बीन नाउ फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम बीन प्रेफरिंग मामा अर्थ। तो अगर आप लोगों को ये अवेल करना हो सो यू नो व्हाट टू डू, जल्दी से जाओ और जाके ले लो अपने लिए। तो गाइस अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं पूरा अपना और 6 बजे हम लोगों ने सोचा था 7-8 बजे का हम लोगों को फ्लाइट मिल जाएगा, लेकिन फ़्लाइट कोई अवेलेबल नहीं था और 5:30 बजे का हम लोगों को फ़्लाइट मिला। और अभी यहाँ पे वी आर ऑल सेट, सामान वामान सब कुछ पैक्ड एंड रेडी।
तो अभी हम लोग चल रहे हैं जल्दी से, इससे पहले कि और डिले हो जाए। रेगा चल भाई, ठीक है निकलते हैं। चलो कॉल कर रहे हो क्या? चलो बाय। फिर सीधा वहाँ सीक्रेट लोकेशन, सीक्रेट लोकेशन के बाद आओगे यहाँ दिल्ली? दिल्ली दिल्ली पहले दिल्ली आएंगे और क्या। और सर हो गए फेल एग्जाम में, फेल पास हो गए साले, फ्लाइंग कलर इसमें फेल होना था, पास होते तो पॉजिटिव होता, पास होना होता है, इसमें फेल होना था, होता है। मतलब हम अपने हित में पास हो गए, अपने पास हो। वैसे तेरे बर्थडे तक शायद ट्राई करेंगे ना पाए, पर देख लेंगे ठीक है। चल चल ओके बाय, चलती है बाय मामा, मिलते हैं ओके बाय। नाउ वी आर एट टर्मिनल 3, टर्मिनल 3 आ गए हैं। चलो लेट्स गो, आर यू रेडी गाइस? आप आज बहुत जमाने बाद वो स्पाइस जेट में ट्रैवल करने जा रहे हो। अगर हम जहाँ जा रहे हैं ना उसके बाद अगर हम कहीं गए नहीं तो गाली देगा। डेस्टिनेशन 1 एंड देन डेस्टिनेशन 2 है ना अभी हमारी ट्रिप का, तो अगर ये डेस्टिनेशन 2 नहीं हुआ ना तो मैं फाड़ दूंगा। जिसने ऑर्गेनाइज करा उस वो गया मेरा वाला, अभी कोई और टेंशन नहीं। बहुत लोगों बोला कि पबजी आई आया नहीं अभी, कुछ नहीं आना है गाइस। पबजी देखो जब आना होगा आ जाएगा, परेशान मत हो, हमारा भी बहुत दिल है सच बता रहे हैं। लेकिन हर रोज़ सोच के बैठेंगे जब रास लगा, मतलब जो आस होती है ना कि जो है राह देखते रहो कि भाई आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, नहीं आ रहा। जब नहीं आता तो मूड ख़राब हो जाता है। जब आपको पता है जब जब आ रही चीज़ होती है ना बिना बताई होती है, अच्छी चीज़ बिना बताई होती है हमेशा। हाँ अच्छी चीज़ बता के नहीं बता के होती, कुछ ना कुछ कमी होती है हमेशा। हाँ गाइस अल्ट्रा सुपर डुपर चेकिंग कर ले, वही पहले सबसे पहले अपना मतलब जो दरवाज़ा, ये दरवाज़ा खुलने मतलब घुसने से पहले ही अपना बैग सैनिटाइज हुआ, घुसने के बाद दोबारा से कुछ हुआ, और ये सिर्फ इसी गेट में है और सिर्फ हाँ कुछ इसी में ही है भाई, हमने गलती कर दी। गेट 3 नंबर में कुछ ज़्यादा ही है। टिकट हमारे पास आ चुका है, हम नहीं दिखाएंगे कि हम किधर जा रहे हैं, और दिल्ली से हम लोग जा रहे हैं जिधर भी, वी वोंट टेल यू क्योंकि वो सीक्रेट लोकेशन है, दूर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग बोल रही है। बाकी सब कुछ नहीं पहना हुआ तो हम, मैंने अभी बात करी और मुझसे बोला गया कि हमें लेने नहीं आएंगे, गाड़ी भेजेंगे। मैंने कहा यार तुम्हारे भाई आ रहे हैं तो क्या कहता है पागल है क्या तुम, हम तुम्हें लेने आएगा तो वहाँ पे जब नहाओगे तो नहाते वक्त वीडियो कॉल करोगे तब मैं जो है तुम यकीन करूँगा कि तुमसे अब मैं मिल सकता हूँ। मैंने कहा नहाते हुए वीडियो कॉल क्यों करते हैं, तो ना कंपनी में जाके साफ बात हो गया नहाने नहीं बात बैठा। तो गाइस एज यूजुअल हम लोग लेट हैं अपने बोर्डिंग टाइम से, हमेशा हम लोग लेट हो जाते हैं। 5:30 बजे की हमारी फ्लाइट का टेक ऑफ है, इट्स 5:05 ऑलरेडी, लेट इसलिए 5:05। आज चमत्कार हो गया, गॉड इज लकी फॉर अस, हाउएवर आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, लेकिन मैंने ऐसे करके मैं बोलूँगा कि हमारा सामान भाई बहुत जल्दी आ गया, वी आर नॉट द लास्ट। गुवाहाटी जब आया था तो मैं अपना बैग भूल गया था, और फिर मेरा बैग जो है यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड में रख लिया गया, जो कि यहाँ की अथॉरिटीज़ की बहुत बड़ी बात है, और फिर मुझे यहाँ पे इन्होंने मदद करा ढूंढवाने के लिए। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अभिजीत कुमार है। हाँ और डिम्पू भाई, डिम्पू भाई ने तो बहुत मदद करी है, और डिम्पू भाई यहाँ पे सब कुछ देख रहे हैं, यहाँ का कोरोना का जितना भी टेस्ट वेस्ट है सब कुछ यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने बहुत मदद करी, एंड इन्होंने मुझे पहचान लिया था उस वक्त, तो कल ही इन्होंने पहचान लिया था, तो आज इन्होंने पूरा दिन जो है मेरे साथ ट्रैक रखा मेरा सामान जो है निकलवाने में, तो अ बिग थैंक्स टू हिम एंड यहाँ की अथॉरिटीज जितनी भी है एयरपोर्ट की, तो दीपू डिम्पू भाई का बहुत बड़ा थैंक यू इस चीज़ में, आपके लिए कुछ भी है। तो उन्होंने पहचान लिया सबसे बड़ी बात यह है, वरना तो
मेरा सामान शायद गया था तो चला ही गया था, वरना तो फिर बचता ही नहीं। अभी हम लोग काफ़ी देर बैठे यहाँ पे, साथ में चिल करा, थक मैं रहेगा साथ में, थक के तीन दोस्त, और अभी हम लोगों ने खाना ऑर्डर करा होटल से ही। रहेगा की तो हो गई हालत टाइट और वो थक गए जबरदस्त तरीके से। थक गए क्या? सोने जा रहे हो? बस सोऊंगा। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर चाय पीने, वापस आके मैं सो जाऊंगा, कल के जो प्लान्स हैं ताकि वो बर्बाद ना हो जाए। जल आ गया है, जल आ गया है, जल आ गया है, जल खोल दो। बोलते हैं जो पानी पिला पोछी, जो पानी पिलाते ना बहुत धर्म का काम। हाँ। तो गाइस अभी हम लोग खाना वाना खा के बिल्कुल सब लोग पस्त हो गए। यहाँ पे अभी बज रहा है 1:46 और यहाँ पे बिल्कुल हम लोग थक चुके हैं और थक के बिल्कुल लेट चुके हैं सोने के लिए। रेगा पोची पोची यो मैन, हाय 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 हाय, इतना ज़्यादा हाय नहीं करना था। और थक अभी वॉशरूम गया हुआ है गाइस, और इस बेड पे चार लोग अभी सोने वाले हैं ख़तरनाक तरीके से, और फिर हम लोग सो जाएंगे, सुबह उठना है, थक के घर जाएंगे, आंटी अंकल से मिलेंगे, और फिर उसके बाद एक दो काम है, एक स्ट्रीम करेंगे हम लोग थक के घर से ही, एक स्ट्रीम करेंगे। तो अभी हम लोग जाएंगे सोएंगे और फिर उसके बाद मीट यू इन द मॉर्निंग सुबह नाश्ते के वक्त। टिल देन आप लोग भी सो जाना। गुड मॉर्निंग गाइस, आज का दिन हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोगों ने खाना वाना खा के नाउ वी आर लीविंग टू थक का घर। चलना है ना? चलना है, बहुत सारा काम है आज, बहुत। सो अभी के लिए, हाँ यही नंबर है, तो अभी के लिए हम लोग थक के घर निकल रहे हैं। एंड अभी से जितना भी सब कुछ हैपनिंग होने वाली है फॉर द रेस्ट 2-3 डेज, जहाँ पे हम लोग सीक्रेट डेस्टिनेशन पार्ट 2 जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, वो सब कुछ थक के चैनल पे, थक के ब्लॉग में आएगा। और किंग के ब्लॉग में उनको दिखा दो। हेलो, नहीं हाय गाइस, तो मैंने भी क्या हुआ, मैं चैनल डूबता सितारा था, तो हम सोचा उसको उठा दे, तो उसके लिए हम शुरू कर रहे हैं व्लॉग्स, व्यूज होंगे, तो इसीलिए आप आइए इधर थक के। तो अभी से फॉर द रेस्ट ऑफ द जो हम लोगों ने सीक्रेट डेस्टिनेशन पार्ट 2 जो बताया आप लोगों को, उसका सब कुछ थक के चैनल पे रहेगा फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज, जितना भी होने वाला है बहुत मजा आएगा। जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं बहुत सारी चीज प्लान करिए, तो थक के चैनल को फॉलो अप करिएगा फॉर द सीक्रेट डेस्टिनेशन पार्ट 2। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, अभी हम लोग निकल रहे हैं थक के घर, मिलते हैं आप लोग के थक के चैनल पे। अंटिल देन लव यू ऑल एज ऑलवेज, टेक केयर, बाय बाय, सी या।